हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे एक बार फिर से आने के लिए थैंक यू सो मच। सो आज का व्लॉग ना बिल्कुल कॉलेज वाला व्लॉग होने वाला है। सो मेरी दिन की शुरुआत ये ब्रेकफास्ट से हो चुकी थी, ढोकला और सूजी का चल्ला। इसके बाद मैंने अपनी सारी बुक्स ये ना लपेट लपाट के फिर मैं निकल पड़ी थी। सो मैं बेसिकली कॉलेज ना बस से जाती हूँ दो रीज़न्स की वजह से। पहला तो भाई ये मुफ्त की चीज़ है और मुफ्त की चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, और दूसरा ये मेरे को कॉलेज के गेट के बिल्कुल सामने उतारती है। और आज मुझे बड़ी कमाल की बस मिल गई थी, ये एसी वाली बस मिल गई थी। नॉर्मली ये एसी वाली बस नहीं मिलती है। सो अराउंड 15-20 मिनट्स में मैं पहुँच गई थी। सो मेरा कॉलेज बेसिकली दौलतराम कॉलेज के सामने पड़ता है, बट मैं बस से थोड़े एक स्टॉप पहले ही उतर जाती हूँ और फिर इधर उधर घूमते फिरते जाती हूँ अपने कॉलेज। कॉलेज के लिए ना मेरा एक्साइटमेंट आज कुछ ज़्यादा ही आया था, क्योंकि कॉलेज के बाद हम लोग सुजुमे देखने वाले थे। सो सुजुमे बेसिकली एक जापनीज़ मूवी है, अभी नई नई थिएटर्स में आई थी और हम सब लोग जापनीज़ लैंग्वेज स्टूडेंट ही है, तो हमने डिसाइड किया कि हम साथ में ही देखने चलते हैं। सो वो जो पिंक कलर की बिल्डिंग दिख रही है ना बड़ी सी, वही है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, और उसके टॉप फ्लोर पे हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज। सो फाइनली मैं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मरते मरते फाइनली टॉप फ्लोर पे पहुँच ही गई थी। सो ये बेसिकली नोटिस बोर्ड है हर एक कंट्री का, जापान, चाइना और कोरिया। हम लोग यही तीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं ईस्ट एशियन स्टडीज़ में। और ये रहा फाइनली हमारा डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़ का बोर्ड। और अब मैं जा रही हूँ क्लास की तरफ, और एज़ यूजुअल हर दिन की तरह मैं आज भी क्लास में सबसे पहले आ गई हूँ। सो मेरी क्लास अराउंड 10 बजे स्टार्ट होती है और मैं अराउंड 9:15 पे पहुंच चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स पहले। तो अब बेसिकली मुझे वेट करना है बाकी लोग के आने का, और मीनवाइल मैं अपनी थोड़ी बहुत इधर की पढ़ाई करूँगी। सो फाइनली हमारी सारी क्लासेस ख़त्म हो चुके हैं और अब हम लोग सीधा निकल चुके हैं मूवी हॉल की तरफ। सो हम अभी बेसिकली विश्वविद्यालय में हैं और हमें मूवी के लिए जाना है शालीमार बाग। सो उससे पहले हमें मेट्रो स्टेशन जाना पड़ेगा। सो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन कॉलेज से हमारा वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही चल लेते हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक। सो ये हम फाइनली पहुँच चुके हैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ पर ये कुछ नुक्कड़ नाटक टाइप की चीज़ हो रही थी। सो मेट्रो की सारी यात्रा के बाद हम लोग फाइनली इस मॉल में पहुंच जाते हैं। सो ये दिख जैसा भी रहा हो, लेकिन भाई साहब क्या ये रद्दी मॉल था। सो इस मॉल के सड़े हुए होने का रीज़न जो था वो यही था, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने को कुछ भी नहीं था और हम लोग एकदम भूखे नंगे पहुँचे हुए थे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर जाते हैं फूड कोर्ट ढूंढने, बट वो हम लोग को मिलता नहीं है क्योंकि इस मॉल में फूड कोर्ट था ही नहीं। फिर हम लोग वापस नीचे आते हैं कुछ खाने पीने को ढूंढने के लिए। लकीली एक आइसक्रीम की शॉप रहती है यहाँ पर, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तुम लोग कौन सा चाहिए लेने? ये ब्राउनी वाला दीजिए, ब्राउनी वाला। ये कितनी? ये 130 है। क्या हो रहा है कितने भैया? हम लोग को वेनिला कोई मांगा है क्या? नहीं, मेरे को भी करवा दो। उसका शेक बन रहा है। किसका? नैंसी का। हाँ
सो ये तो सी आइसक्रीम 60 रुपीज़ की मिली थी, बट ठीक है, क्वालिटी वाइज वाज नाइस। अमूल की थी ये आइसक्रीम, चॉकलेट ब्राउनी। सो हमारी मूवी का टाइम फाइनली हो चुका था, हमारे टिकट्स विकेट्स तो ऑलरेडी पहले से ही हो रखे थे, बट मूवी देखने से पहले हमें ये हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक पास करना था, जिसमें हमारे सारे सामान, बैग्स, बॉटल और कुछ भी खाना पीना जो हमारे पास नहीं था, बट फिर भी वो सब कुछ रखवा लिया गया था। फिर इसके बाद हम सीधा ऊपर चल चले। सो मूवी काफ़ी लंबी थी, 2 घंटे की थी, और उससे पहले हमने जो आइसक्रीम खाई थी वो पता नहीं कहाँ ही गई थी, तो हमने सोचा कि हम कुछ खाने पीने को ले लेते हैं। सो हम आते हैं इस लूट मचाओ शॉप पे, तो यहाँ पे जो सबसे सस्ता ऑप्शन था हमारे लिए वो पॉपकॉर्न ही था। सो हमने ये एक बाल्टी खरीदी है पॉपकॉर्न की, ये सबसे बड़ी बाल्टी थी इनके पास, तो ये बाल्टी पड़ी हमें 520 रुपीज़ की, जो हम 6-7 लोग के लिए काफ़ी थी। सो मूवी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, अब 2 घंटे हमें सिर्फ यहाँ पर बैठे रहना था। सो मूवी फाइनली हमारी ख़त्म हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मूवी थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अब बस हमारी अभी भूख ना वो अभी भी शांत नहीं हुई थी, तो हमने डिसाइड किया कि इसके बाद हम सीधा जाएंगे खाना खाने। सो मॉल के पास ही एक स्लिक चिक करके जगह थी, तो हम लोग वहाँ पे खाने आए थे, तो भूख इतनी ज़्यादा लगी थी ना कि जैसे ही खाना ऑर्डर हुआ सब लोग खाने वाने लग गए, मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तो मैं बहुत थोड़ी मोड़ी चीज़ ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ। सो दिस इज़ द एंड गाइज, फाइनली सब कुछ ओवर हो गया था आज के लिए। सो मैं मॉर्निंग में अराउंड 8-8:30 के आसपास निकली थी, और अभी ऑलमोस्ट 7:30 हो चुका था, तो बस फिर यहाँ से मुझे मेट्रो लेनी थी, सीधे घर जाना था। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।